तो भाई बिग बॉस जैसे शुरू नहीं हुआ वैसे ही कंट्रोवर्सीज होना शुरू हो गई हैं। अगर क्या हुआ है ऐसा और क्यों ये बयानबाजी हो रही है, घोषणाबाजी हो रही है, और क्यों जो फ्रेंड है अल्पेश यादव के लव कटारिया उन्होंने ये ट्वीट करके इस तरीके की बातें कही हैं, इस तरीके की जानकारी दी है, और क्यों वो टारगेट कर रहे हैं मुनव्वर को एक हिसाब से, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। को बता दी कि भाई इस समय पर्टिकुलर जैसे बिग बॉस शुरू हुआ है कंट्रोवर्सीज भी होंगी अभी, लेकिन इतनी जल्दी होंगी इसका मेरे को अंदेशा नहीं था, क्योंकि भाई इसके पहले तो आगे धीरे धीरे चलते चलते लोग अपना अपना फेवरेटिज्म शुरू करते हैं, कंट्रोवर्सीज बनना शुरू होती हैं, लेकिन इस बार इतनी जल्दी कंट्रोवर्सी होगी ये कोई नहीं जानता था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई बिग बॉस OTT सीजन 2 में अपने नाम का डंका बजाने वाले अल्पेश यादव भाई बहुत बड़ी भारी मात्रा के वोट के मार्जिन से जीते थे, और शायद यही वजह है कि भाई उनके जो दोस्त हैं उनके जो भी फैंस हैं वो बोल सकते हैं इस बात को कि भाई रिकॉर्ड तो हम नहीं बनाए। लेकिन इस समय मैं आपको दिखा दूँ ये ट्वीट है, इस ट्वीट में करप्ट यूट्यूबर लिखते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमर ऑफ अल्पेश यादव इंक्रीज्ड आफ्टर वॉचिंग दिस कॉमेडियंस इनसाइड द बिग बॉस हाउस, ही सिंगल हैंडेडली एंटरटेन्ड अस फॉर वन मंथ आफ्टर एंटरिंग एज वाइल्ड कार्ड, नॉट इवन अ वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन कैन मैच हिज ह्यूमर लेवल। यानी कि भाई क्लियर कट ये मुनव्वर फरूकी को टारगेट किया गया, जिसपे कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है ही इज अ कॉमेडियन नॉट अ कॉन्स्टिपेटेड जोकर। उसके बाद को लग रहा है एक हार नहीं हुआ और भाई ज्ञान देने आ गए। उसके बाद को लग रहा है कि भाई मिसिंग अल्पेश भाई। उसके बाद किसने रिप्लाई किया कि अकेला जाता तो पता चलता, अभिषेक एंड मनीषा ने फ्रेंड बना लिया इसलिए टिक पाया, नहीं तो बेबिका खा जाती अल्पेश भाई को तुम्हारे आराम से। उसके बाद को लग रहा है ही हैज एंटरटेन नो डाउट इन दैट बट नॉट सिंगल हैंडेडली, अभिषेक मल्लान इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एंटरटेनमेंट। उसके बाद क्या लग रहा है कि भाई मुनव्वर के आने से डर लग रहा है क्या, क्योंकि इनका UK जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा सिस्टम के। तो भाई फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।